नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे वीडियो में हम आपको ये ड्रीम योगा होंडा की जो मोटरसाइकिल होती है उसका हम हेड खोल करके दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम इसको खोल के दिखाते हैं आप। ये हमने यहाँ के दो स्क्रू खोले हैं, 8 नंबर और ये किए 10 नंबर। राकर की हम पिन को यहाँ से निकालेंगे, एक 10 नंबर बोल्ट की सहायता से। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम इस वाले राकर की पिन को निकालेंगे। कैमशाफ्ट को हम यहीं से चेक कर लेंगे, कैमशाफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है और ये बहुत अच्छे से फ्री भी घूम रही है, तो इसके बैरिंग भी सही है। अब हम इसकी ये वाल्व निकालेंगे और इसके वाल्व के जो लॉक होते हैं, केचर होते हैं, इनको निकालेंगे। पतलोई से रख लो। देखिए ये केचर हमने निकाल लिए हैं इधर से, ये सामान हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। अब इस साइड का निकालते हैं। यहाँ पर इस तरह से एक कपड़ा लगा लें और फिर चोट मारें, इससे केचर घूमने की समस्या नहीं होती है। अब हेड की हम यहाँ पर सफाई करेंगे, वॉल्व इसमें लगाएंगे और उनको ग्राइंड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको अच्छी तरह से सफाई कर दी है इसकी। ये देखिए अच्छी तरह से इसकी सफाई कर दी है, और वॉल्व इसके हम चाहें तो नए भी डाल सकते हैं और पुराने भी इसके ठीक हैं, तो हमने इनकी भी सफाई कर ली है। ये देखिए हम चाहें तो इसके नए भी बाल लगा सकते हैं और इसके पुराने बाल भी ठीक हैं, तो हम इन्हीं को लगा रहे हैं। आप चाहें तो नए बाल लगा सकते हैं। हेड हमने ग्राइंड कर लिया है, इसकी वाल्व को हमने ग्राइंड कर दिया है। अब हम इसको पेट्रोल से एक बार धो लेते हैं और फिर हम इसको फिट करते हैं। हेड को हमने धो लिया है पेट्रोल से, एक बार पहले भी हमने पानी से धोया था, लेकिन ग्राइंड करने के बाद हमने पेट्रोल से इसको धो दिया है एक बार, और सभी इसके छोटे छोटे पार्ट्स सभी को धो लिया है। अब हम इसको फिट करते हैं। फिट करते समय ध्यान रखें कि हमें पुरानी वाल्व सीलों को हटाना है, पुरानी वाल्व सील नहीं लगानी है, इनको पहले हटा देना है, फिर इसके बाद हमें नई वाल्व सील लगाना है। या तो ओरिजिनल लगाएं या फिर ये वेरॉक कंपनी की है, ये वेरॉक कंपनी की लगा दें, और या फिर आप HTA कंपनी की ले सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमें फिट करनी हैं हम आपको दिखा देते हैं। वॉल्व सील को अच्छी तरह से बैठाएं, इस तरह से वॉल्व सील को लगाने के बाद उसको इस तरह से घुमा करके देखें। जब वॉल्व सील अच्छी तरह से बैठ जाती है, अच्छी तरह से फिट हो जाती है, तो वो आसानी से घूम सकती है। थोड़ा टाइट घूमेगी लेकिन घूमती है, और यदि वाल्व सील थोड़ी बहुत तिरछी रहती है तो वो नहीं घूमती है। ये हमारी अच्छी तरह से फिट हो गई है और हमने इसको घुमा के देखा है, घूम रही है। इसी तरह से इस तरफ की वाल्व सील को हम लगा देते हैं।
ये देखिए, इसी तरह से हमने इस तरफ की वाल्व सील को लगा दिया है। अब हम वाल्व को लगाएंगे। सबसे पहले ये स्प्रिंग के नीचे एक वाशर लगता है, वो वाशर लगाना है, फिर स्प्रिंग लगाना है और फिर इस तरह से इसको लगाना है। ये देखिए दोनों कीचड़ यहाँ पर बैठ गए हैं। अब हम इस पुलर को वापस से खोल देते हैं। ये देखिए ये अच्छी तरह से बैठ गया है। इसी तरह से हम इस वाली स्प्रिंग और वाल्व केचर को लगाएंगे। ये देखिए ये भी बैठ गया है। इसको ये सही से बैठे हैं कि नहीं बैठे, ये हम पक्का करने के लिए इनको हथौड़ी से एक बार चोट मार के देखेंगे। इस तरफ बस ये बैठ गए हैं अच्छे से। अब हम इसके राकर और इसकी पिन लगा देते हैं। राकर हमने इसमें बैठा लिए हैं। अब हम इसकी रॉकर पिन को हम फंसाते हैं। ध्यान रखें कि रॉकर पिन इधर की उधर ना लगें, इस साइड ना लगें। ये वाला होल मिलाएं और ये वाला होल मिलाएं, क्योंकि ये वाला जो खांचा है ये आगे साइड रहेगा। पेचकस की सहायता से हम इसका होल मिला सकते हैं, इसलिए इसको इस तरफ लगाना है। और इस वाली पिन को इस तरफ बैठाना है। इसका होल हमारे लिए ये यहाँ आएगा। ये देखिए इस पेचकस की सहायता से हम इसका होल मिला रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए अब यहाँ पर हम इसका स्क्रू कसेंगे। इसी तरह से हम इस तरफ का भी होल मिलाएंगे और स्क्रू कसेंगे। अब ये कैमशाफ्ट का बोल्ट भी हम यहाँ पर कस देते हैं। हेड कंप्लीट हो चुका है और इसको ये मोटरसाइकिल में लगने के लिए तैयार है। इस तरह से आप मोटरसाइकिल का हेड रिपेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके से यदि आप इसको फिट करते हैं तो हेड की सर्विस बहुत अच्छी रहेगी। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।